इसका नाम क्या है मशीन का? हेक्सा का। कुछ लोहा का नाम मकान का ग्रिल उरिल में लगता है। अच्छा, वो कौन सा लोहा होता है? ब्राइट चौकोर होता है, ब्राइट पट्टी आती है। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा जो आप सभी के बिल्कुल नया दोस्त आपने देखा वीडियो के पहले ही जो टाइटल में जो थंबनेल लगा था उसके हिसाब से आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या नई जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो आप से वीडियो का अंत तक बने क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार बनने जा रहा है। इस वीडियो में नीचे देखेंगे समझेंगे भी, तो मैं आप सभी नीचे बताऊंगा कि जो बनारस का सबसे बड़ा लोहा मंडी है जो मलदहिया है दोस्तों, और यहाँ पर आप आकर वो सारी लोहा को खरीद सकते हैं जो आप अपने घर में उपयोग करते हैं विभिन्न सारे उपयोगों में, तो आप यहां से लोहा खरीद सकते हैं। लोहा कितने प्रकार है, कैसे कटिंग होता है और किन किन चीज़ों में लोहा का प्रयोग किया जाता है उसके विषय में आप जानेंगे। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को देखते समझते देखे दोस्तों, यही चौराहे से पीछे चौराहे से जो आपने देखा वैसे लोहा मंडी शुरू हो जाता है। बनारस का सबसे बड़ा यह लोहा मंडी है दोस्तों, आप यहाँ से हर प्रकार के काम में उपयोग होने वाले लोहा को यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ से ले जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं समझ सकते हैं। और यह मंडी जो दोस्तों यहाँ से सारे बनारस के अलावा बाहर आसपास के क्षेत्रों में भी सप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ से लोहा खरीद सकते हैं और लोहा से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ आकर पट कर सकते देख सकते हैं। बहुत ही एक बड़ा मार्केट है, लंबा चौड़ा एक मार्केट है दोस्तों, तो आपको यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो और सारी दुकानें मिलेगी दोस्तों। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, अगर वीडियो के बीच में छोड़कर जाते हैं तो नई चीज़ों को नहीं देखेंगे समझेंगे दोस्तों, जो हमने बताया दोस्तों उन सारी चीज़ों को देखेंगे देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों दाहिने साइड खाने पीने की चीज़ भी थी दोस्तों, लिट्टी वगैरह की दुकान थी दोस्तों। यहाँ से देखिए ये दोनों साइड ये लोहामरी की ये दुकान है दोस्तों। देखिए बहुत सारी लोहा सड़क किनारे रखे हुए दोस्तों, बहुत भारी भारी देख सकते हैं, बहुत ही मोटी मोटी बहुत ही मोटा मोटा लोहा है दोस्तों, बड़ा बड़ा चार्जर सीट में भी है देख सकते हैं। तो यहाँ उन लोगों को दिया जाता है कस्टमर ग्राहक को जिनको जिस ढंग से रिक्वायरमेंट आवश्यकता है जरूरत है उस हिसाब से लोहा को काट करके दिया जाता है दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक ये मार्केट है दोस्तों। अब मैं आपको पीछे से बैक करता हूँ और इन सारी चीज़ों को दिखाता हूँ बैक होकर कि देखिए यहाँ पर देखिए कितनी सारी लोहा रखी हुई दोस्तों, और यहाँ से आप लोहा खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिए क्योंकि आपको इस वीडियो में एक नई जानकारी मिलेगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे चैनल का लिंक दिया गया है जो इसमें और सारी जानकारी वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और नई चीज़ों को देख समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने तक लोहा यहाँ रखा गया है दोस्तों, देख सकते हैं लोहा की देख सकते हैं हर साइज क्या है। यहाँ पर कटिंग मशीन से दोस्तों काटा जा रहा है, देख सकते हैं किस ढंग से लोहा को काटा जाता है, तब देख सकते इस वीडियो में इस ढंग से बड़े छोटे मोटे पतले लोहे को काटा जाता है जिसको जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से दिया जाता है दोस्तों। देख सकते इस साइज से मेजरमेंट मापा जाता है तब उस साइज का लोहा को काटा जाता है, तब उन सारी चीज़ों को समझा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी के लिए कितना उपयोगी और जानकारी भरा वीडियो रहा दोस्तों। तो उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और एक जरूर लाइक कर देगा और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पर बनारस शहर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसे आपको देखना समझना चाहिए दोस्तों, तो आप जरूर एक बार चैनल को मेरे विजिट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को देखिए समझिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मशीन से कितनी आसान तरीके से लोहा को काटा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये कटिंग मशीन है, ये मशीन का क्या नाम है उसके विषय में भी आपको बताऊंगा और दुकानदार से बात करूंगा कि आप सभी कितने तरह के लोहा है और कैसे खरीद सकते हैं इनसे मिलकर आकर इनकी दुकान पर, तो उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सभी दुकान तक बने रहिए। ये लोहा काट रहा है ना? हाँ, लोहा काट रहे हैं। अच्छा, पहले काटने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? काटने के लिए साइज लगाना पड़ता है, नापना पड़ता है, उसके बाद मशीन चलता है मोटर पे। इसके क्या कौन सा मशीन कहते हैं इसको? इसका नाम क्या है मशीन का? हेक्सागन। क्या कहते हैं? हेक्सा कट। हाँ। अच्छा, ये लोहा काटने की जो मशीन है। हाँ। इसको हेक्सा कट कहते हैं। हाँ। तो देखिए ये बाबा काट रहे हैं दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। और ये मलदहिया पे ये लोहा मंडी है, बहुत ही बड़ा मंडी है लोहा का। अगर आप लोहा अगर खरीदना चाहते हैं तो आप मलदहिया आइए, यहाँ से हर तरह के लोहा खरीद सकते हैं। देख सकते हैं पूरा यह लोहा रखा हुआ हर तरह का, ये हर साइज का, और ये बहुत बड़ा यहाँ मंडी है आप देख सकते हैं। जैसा कि और यहाँ बहुत सारा चदरा वगैरह से रखा गया है। Thank you.
अच्छा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं भैया, कट कर रहे हैं ना? कट की इसमें कुछ नई बात है क्या? इसमें कट हो जाता है, कट करते हैं सिर्फ। अच्छा ये क्यों करते हैं इसको, कैसे करते हैं? गैस वेल्डिंग है ना, गैस कटर है ये। कन काट काट के दिखाई दो, ये क्या है, ये क्या करेंगे? भैया आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम चंद्रजीत है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप लोहा मलदिया लोहा मंडी में आपकी दुकान है? जी जी। किस जगह पे आपकी दुकान है? हैं? किस जगह पे आपकी दुकान है? निरंकारी भवन के बगल में है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर बोले हैं? शौचालय के बगल में मलदिया। अच्छा अच्छा, आप यहाँ लोहा के दुकान है, आप लोहा बेचते हैं? हाँ। कितने तरह के लोहा बेचते हैं आप? हम दो तीन तरह के लोहा बेचते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे कितने तरह के लोहा होता है? बहुत से लोहे तो बहुत से रिकिम के होते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोहा जो अलग अलग लोहा होता है उसका अलग अलग प्रयोग होता है, उपयोग होता है अलग अलग कामों में। कुछ बता सकते हो उदाहरण के लिए कुछ लोहा के नाम? मकान का ग्रिल उरिल में लगता है। अच्छा, वो कौन सा लोहा होता है? ब्राइट चौकोर होता है, ब्राइट पट्टी आती है। अच्छा अच्छा, गोल भी आता है? हाँ गोल भी आता है। अच्छा, मोटर का शाफ्ट बनता है, पंखे का। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। अच्छा अच्छा, यही सब है। और मकान जो ढलैया छत जो होता है उसमें उसको हम नहीं बेचते। अच्छा अच्छा, अब ये सब जो है पूरा ये गोल हो ये सब निहाई वाई के काम में आता है, जैसे लोहार वगैरह जो बनाता है उसके काम में आता है, उसके बनाने के लिए निहाई वो काम में। और ये काट लोहा काट रहा है ना? हाँ, लोहा काट रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये सब कौन सा लोहा है? ब्राइट का लोहा है। ब्राइट का लोहा है। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई अगर लोहा खरीदना चाहे मलदिया में, तो आपसे इससे संबंधित कौन कौन से लोहा आप उसको दे सकते हैं? बता दीजिए आपको, मकान वाला जो ग्रिल वगैरह लगती हैं, हाँ। खिड़की दरवाजे में, हाँ। जो वो सब लोहा देते हैं। हाँ, मंडी कब से कब खुल जाता है? मंडी 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, यहाँ से खरीद सकता है। और माने यहाँ हर तरह का लोहा मिलता है अलग अलग जगहों पे। आप जो बेच रहे हो तो बेच ही रहे हैं, हाँ। लेकिन और सर ऐसे लोहा है जो दूसरी दुकान पर लोगों को मिल सकता है? हाँ, हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, और बनारस के सबसे बड़ा मंडी है ये। अगर मान लीजिए अगर यहाँ कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? कैंट से आ सकता है, कैंट से आ सकता है, आंध्रा पुल से भी आ सकता है। अच्छा, चौका घाट से सीधे आ जाएगा। अच्छा, और इधर से
विश्वनाथ मंदिर यहाँ नवरा भी होते हुए आ सकता है। अच्छा अच्छा, लंका से भी आ सकता है। अच्छा अच्छा, और यहाँ जितना चाहे जितना लोहा खरीद सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी तरह कोई सवाल हो, जवाब हो, तब हमें कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। दोस्तों, चलिए, तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।